शाम का समय है, 4:30 हो रहा है। इसको अभी अभी थोड़ा सा खाना दे दिए हैं और इसको भी खिलाए हैं। ये बात सही था, भर दिन सोते रहता है, भरों दिन सोते रहता है। किचन में घी चढ़ाए हुए हैं, फिर अभी अंधेरा अंधेरा ही है। अभी अभी जस्ट उठे हैं, हम भी एगो रोटी खाए हैं, थोड़ा सा चावल बचा हुआ है सुबह का, चारे पानी डाल देने, बर्तन धो दिए हैं, एगो दो को बचल है, कुकर भी बचल है, और ये घी चढ़ा दिए। दूध आज हम सो गए थे, आशीष लिया है वही उबाला है, आज हम सो गए थे। रात को लाइन कटता है तो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, नींद नहीं पूरा हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। इवनिंग का समय 4:30 बज रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि घी चढ़ा दिए हैं, दोपहर जितना गर्मी रहता है ना, हिम्मत ही नहीं किया हमको, और रात को लाइन डिस्टर्ब हो जा रहा है ना, तो खाना खाया हम सो गए। अब आशीष दूध लिया, दूध खोलाया, हम थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, बना क्या करें, कभी कभी बहुत मन करता है चाय पिए तो ऐसे नहीं, गर्मी में इतना चाय पर ध्यान भी नहीं जाता है, ऐसे ठंडा में रही ना तो बार बार मन करता है चाय, उस चीज़ लगता है कि बुलाए। आज है 21 तारीख, तो मेरा डेयरी मिल्क को भी सुई दिलवाना था, जैसे कि वो डॉक्टर दे दिया था थी बना के, डायरी उसका बना के फॉर्म ना होता है उसी तरह का बना के दे दिया था, उस पर गए थे उसको सुइया दिलवाने का, तो उसी तरह का बना के दे दिया है, उस पर डेट वेट सब लिख दिया है कि इस तारीख को आपको आना है। तो आज 21 तारीख है, 21 तारीख को हमको जाना है, शाम को सुई दिलवाना। आशीष को बोलते रहे कि जाओ तो पैसा वैसा सब पेड है, खाली दिलवा के लाना है। देखिए जाता है कि हमको भी लेके जाता है, अगर कहेगा कि तुम भी चलो मम्मी तो हमको भी जाना पड़ेगा। अरे अब चाय बना लेते हैं, चाय पियेंगे। चाय मेरा बनकर तैयार हो गया है, पहले आप लोग पी लीजिए, चलते हैं आराम से पंखा में बैठ के पहले चाय पियेंगे। घी अभी करकरा ही रहा है, उसके बाद कहाँ गया डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क है, आ जाओ इधर आ जाओ, आ जाओ। तो दूध चार चप्पल मारे, चप्पल थप्पड़ मारे हैं, बहुत बदमाशी करता है इधर न, इधर मतलब पोटी सुसु अब दोपहर को के ले जाएगा, इधर बोलते हैं कि इधर ना करो, इधर क्योंकि खुला रहता है सामने इधर स्मेल आता है। आ जा इधर आ जा, डेयरी मिल्क है मारे है ना, तो जाके ऊपर रख दे डेयरी मिल्क वाके, और ये सब मेरा बच्चा खा रहा है, रख दो। पीने का आदत है ना, तो ये ना वाला ना अच्छा नहीं लग रहा, बिगड़ा हुआ है 3-4 महीना से वाटर फिल्टर। डायरेक्ट पानी भरते हैं वो ठंडा करते हैं, आदमी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, इसे भी सूत को उठे तब पर भी जब भाई आ रहा है भर दोपहर से, और मस्ती से एकदम 12 बजे जब खाए हैं उसके बाद सोते हैं तो सीधे उठे 4 बजे। याद आया कि अभी वीडियो एडिट नहीं किए, हाली हाली पहले वीडियो एडिट किया है, नहीं 3-3.5 मिनट है, उसके बाद सीधे वीडियो एडिट किया, उसके बाद कुछ काम किया, तो सोचे कि मेरा वीडियो एडिट भी लेट हो जाएगा, अकेले कितना काम रहता है, कितना टेंशन लेके घूमते हैं। तब जाकर वीडियो एडिट किए थे, वहाँ रख दिए, अब सिर्फ पोस्ट करना बाकी है, पोस्ट करेंगे 5:59 में मेरा वीडियो पोस्ट होता है शाम को, चाय पी लेते हैं पहले। तो जा रहे हैं फ्रेंड डेयरी मिल्क को सुई दिलवाना है, 6:30 हो गया है, 7 बजे डॉक्टर बैठता है, उसके लिए ये तारीख भी दिया हुआ है। और एक काम और है, सहारा में पैसा डाले थे ना, बीच में हो गया ना, निकल ही नहीं रहा है, तो इसका जिसके पास से हम जमा करवाए थे वो बोले हैं कि सबका जितना भी आप जमा करवाए थे उसका एक एक फ़ोटो कॉपी करवा लीजिए, तो इसका हमको फ़ोटो कॉपी 3-6 है, उसका फ़ोटो कॉपी करवा के हमको रखना है। डेयरी मिल के चलो इधर आओ, चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आ जाए, इधर आ जाए, उसका फ़ोटो कॉपी करवा लेंगे। कल हमको बुलाए हैं क्योंकि हमको कुछ उतना इंग्लिश में बुझाता नहीं होता है, सही बता रहे हैं,
अंजलि को कल हमको सवेरे ही बुलाना पड़ेगा कोचिंग से। सिग्नेचर वग्नेचर कहूँ करना रहता है तो इंग्लिश में हमको उतना समझ नहीं आता है, तो इंग्लिश में अंजलि पढ़ देगी, हमको समझा देगी और उसके बाद हम सिग्नेचर करेंगे। हमको किसी पर विश्वास नहीं, क्योंकि शुरू से ही हम धोखा ही खाएँ, हर रिलेशन में हम धोखा खाएँ। चलते कल अंजलि को बोल देंगे कि सवेरे ही आ जाना, ऐसे वो 8:30-9 में आती है, 9 तो बज ही जाता है उसके आते आते, रात को सुबह 8 बजे निकलती है, 9 बजे आती है। चलते हैं अपना, डेरीविल को पता है हमको, इसको लग रहा है कि हम घूमने जा रहे हैं, वहाँ पर गेट पर जाएगा ना फिर से भागेगा, बाहर में है नहीं, हम नहीं जाएंगे, पता है इसको कि हमको सूटी बना है। तो चलते हैं, हो गया तुम्हारा, जल्दी चलो, बहुत गर्मी है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अंधेरा टाइप हो गया है। जा रहे हैं इसको लेके, बैठ गया है, बहुत गर्मी था इसमें रिक्शा लेने का, चलो मैं इसको टांग, एकदम नहीं चलता है रोड पर, चाहिएगा ना कि चले तो नहीं चलेगा, कहेगा कि गोदी लो, इतना भारी गोदी लेकर कहाँ तक जलिएगा। तो हम लोग रास्ता लेंगे, जाएंगे 5 मिनट का तो रास्ता है, ब्लैक स्टैप पर आराम से बैठेंगे, हम और आशीष अच्छा शाम होने ही वाला है, नहीं रखता है तो उधर पहुंच गया, डेरी मिल्क पहुंच गया, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा ना, जेब नहीं करेगा, जेब नहीं करेगा। तो आगे फिर 10 मिनट आया, हो गया मुँह हाथ हो गया पानी, सब जा रहे हैं गर्मी में ना, कहीं से आई तो 10 मिनट रुक के ही पानी पीना चाहिए, ना तो शरीर गर्म ऊपर से ठंडा पानी जाएगा तो तबीयत तुरंत ख़राब हो जाएगा। यानी पानी पियेंगे उसके बाद खाना बनाएंगे, 8:30 हो गए, हम लोग कुछ नहीं किए, जा रहे हैं खाना बनाएंगे, देखते हैं क्या बनाए खाना मेरा, रात के सब अति अति सब खेबर करते हैं। अंजलि के लिए चावल, आज सुबह हम चावल बना दिए क्योंकि साग बनाए थे, तो आज भी साग लाए, गर्मी का दिन धारी का अच्छा लगता है मुझसे। तब जा रहे हैं, देखेंगे क्या खाना बनाए, नेनुआ है, नेनुआ की सब्जी सोच रहे हैं और रोटी बना दी, थोड़ा गोभी भी लाए थे 30 रुपये के, और गोभी दिए थे पकड़ लाए थे, कल ही गए थे तो लाए थे अपना छोटा पीस, लेकिन पानी पी लेते हैं, 10 मिनट हो गया है, कपड़ा वपड़ा चेंज किए, 10 मिनट वेट किए, प्याज तो बहुत कस के लगल थे, सोचे कि ठंडी शरीर गर्म है ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे तो तुरंत सर्दी खांसी हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, पानी पी लेते हैं। यही लाए हैं साग, 1/2 किलो आज लाए हैं गेंधारी का और 1/2 किलो ये कर्मी का, ये देख लीजिए कर्मी और गेंधारी, और कल अदरा चढ़ रहा है, तो अदरा में हम लोग ना खीर पूरी और आम करने का रहता है, खीर पूरी सब्जी और आम, तो आम लाए हैं मालदा वाला, 100 रुपये में दे रहा है 2 किलो, 100 रुपये में 2 किलो दिया, ले आए कि कल नेक हो जाएगा,
तिल पूरी का अदरक रहता है तो हम लोग के नेग रहता है। ये देखिए फल बनेगा, कल शाम को बनाएंगे, ना होगा तो खीर सवेरे ही बना लेंगे और शाम को बनाएंगे पूरी और सब्जी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, नेनुआ और चना, आधी किलो नेनुए लेते हैं, दोनों को फेंक के सब्जी बना लेंगे। दो गो इतनी घड़ी बना देंगे क्योंकि इतनी घड़ी तो लोग कम ही कमी खाता है, आधा चना बना देंगे इतनी घड़ी और दो गो नेनुआ में फेंट के अच्छा से सब्जी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा एक एक मुठ्ठी चावल, बस बात खत्म। चार है छील के काट के एक जगह कर लेना। सब्जी यहाँ पे काट लिए, ये नेनुआ और ये चना और प्याज, प्याज थोड़ा ज़्यादा काटे हैं क्योंकि वो घनी टाइप कर देंगे। और यहाँ पर घी हम करकरा दिए हैं, जा रहे हमको डब्बा में रखना है, कढ़ाई भी चढ़ा दिए। लाल कटा हुआ फैन, बारिश हो रहा है, ऊपर से मलका उलका मलक रहा है, लाइन काट दिया, इमरजेंसी जल रहा है। लाइन काट देते हैं घर में तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। अब मेरा डेरे में बादल गरज रहा है ना तो भौं भौं कर रहा है, मुझको लग रहा है कि क्या गरज रहा है।